नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 29 सितंबर है और दिन है शनिवार। आज बहुत जोरों से एक चर्चा चल रही है कि सरकार खाद्य तेलों पर यानी विदेशी तेलों पर ड्यूटी फिर से घटा सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, लेकिन इस दबाव के अंदर हल्का फुल्का तेलों पर दबाव है, जिसका असर सरसों पर भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी बाजार स्टेबल है। जयपुर का भाव 7,050 रुपए पर स्टेबल है। आवक जो है फिर थोड़ी सी घट गई है, 2,10,000 के आसपास, 2,20,25,000 के आसपास की आवक हुई है, लेकिन सरसों तेल में 10 से 15 रुपए प्रति 10 किलो की गिरावट दर्ज हो गई है। भरतपुर मंडी का भाव जो कल 6,771 रुपए खुला था, आज 6,720 रुपए खुला है। कल की क्लोजिंग का देखें तो 20 रुपए बाजार प्लस हुआ है, लेकिन कल की ओपनिंग देखें तो बाजार 50 रुपए कमजोर हुआ है। सलोनी का भाव 7,700-7,600 पर स्टेबल है। गोयल कोटा का भाव भी 6,900 पर स्टेबल है। सीतापुर एडिबल्स का भाव भी 7,000 रुपए पर स्टेबल है, लेकिन चरखी दादरी दिल्ली लाइन पर बाजार 25 रुपए की गिरावट दर्शा रहा है। शाम की वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।